हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन और इससे आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने इसके लिए पूरा इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप लोगों ने देखा था, तो इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी लोग घर से आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, तो इस 1.2 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, देखिए इसमें तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं। ए में दिया है योग -7 है, बी में दिया है अंतर -10 है, सी में दिया है योग 0 है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। योग कहते हैं जोड़ को, अंतर कहते हैं घटाना को, ये आप लोग जानते हैं। और पूर्णांक हमने बताया था, माइनस वाले संख्याओं को भी पूर्णांक कहते हैं, जीरो को भी, और प्लस वाले संख्याओं को भी पूर्णांक कहते हैं। तो कहा है यहाँ पर योग -7, तो ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। युग्म मतलब होता है जोड़ा, मतलब दो संख्या ऐसा लिखना है, दो पूर्णांक जिनका योग क्या हो, मतलब जिनको जोड़ने पर कितना हो, -7 हो। तो आप लोग कई तरह से इसको आंसर लिख सकते हैं इसका, इसको सॉल्व नहीं करना है, बुक में कुछ भी आ सकता है आंसर, आप लोग भी कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा युग्म मतलब संख्या हो सकता है। जैसे देखिए कहाँ है योग -7 हो, तो समझते हैं अगर हम लोग ऐसे लिखना -3 और -4, मतलब दो संख्या अगर ये ले लें -3 और -4, तो आप लोग जानते हैं माइनस वाले संख्याओं को जोड़ते हैं तो माइनस ही होता है। तो -3 और -4 को जोड़ेंगे तब भी -7 होगा, या अगर हम लोग -10 और +3 ले लेते हैं तब भी 7 होगा। तो कई तरह से आप लोग लिख सकते हैं, -7 ये भी होगा। पहले आप लोग एक बार और चिन्ह को समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, दो अगर प्लस वाले संख्या हो, दो प्लस वाले संख्या और उनको मतलब जोड़ा जा रहा है, अगर दो प्लस वाले संख्याओं को तो प्लस में ही जोड़ते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर दो माइनस वाले संख्या हो तब भी इनको जोड़ा जाता है, लेकिन माइनस लगा के इसमें जोड़ते हैं, चिन्ह रहेगा प्लस, इसको भी जोड़ते हैं, जोड़ ये भी होगा, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का। ध्यान दीजिएगा, जब भी दो प्लस वाले संख्या हो तो जोड़ देते हैं उसको, कैसे, प्लस लगा के। जब भी दो माइनस वाले संख्या हो तब भी जोड़ देते हैं, कैसे, माइनस लगा के। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस हुआ, या एक माइनस एक प्लस हुआ, मतलब दोनों बदल गए, अगर अलग अलग हो गए, तब इसको क्या करते हैं, घटाना होता है। तब ये क्या होता है, घटाना। जब एक प्लस एक माइनस रहेगा तभी केवल घटाते हैं, तो घटाने में चिन्ह कौन सा लगाते हैं, बड़े संख्या का। बड़े संख्या मतलब यहां पर समझते हैं, जैसे मान लीजिए, देखिए हमने ऐसे कहा, दो प्लस वाले संख्या अगर दे दिए हो तो आप लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसको। अगर दो माइनस वाले संख्या दे दिए हो तब भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन अगर एक प्लस में दिया हो और एक माइनस में दे दिया हो तो घटाएंगे, या ये ऐसे कह सकता है -5 और +3 दे दिया हो। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, यही हमने चिन्ह में बताया है। दो संख्या प्लस में हो तो जोड़ेंगे प्लस लगा के, मतलब दोनों प्लस में है तो प्लस लगा के जोड़ते हैं। ये प्लस नहीं लिखा जाता है पहले, तब भी प्लस माना जाएगा, मतलब ऐसे लिख दिए हम तब भी समझेंगे कि +5 लिखा हुआ है। माइनस है, दो माइनस है तो माइनस लगा के जोड़ेंगे, दो दो 4 हो जाएगा, मतलब -4 होगा। यहाँ एक प्लस एक माइनस है तो समझ जाएंगे घटाना है, घटाने में याद रखेंगे कौन सा चिन्ह लगेगा, तो बड़े संख्या का, मतलब 5 और 3 घटाएंगे, एक प्लस एक माइनस है तो घटाएंगे, लेकिन चिन्ह कौन सा लगाएंगे। 3 और 5 में आप लोग जानते हैं 5 बड़ा होता है, इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस लगा के घटाएंगे, 5 में से 3 जाएगा 2। इसी तरह यहाँ देखिए, 5 में से 3 को घटाएंगे, चिन्ह कौन सा लगाएंगे, 5 3 में 5 बड़ा है, तो इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस, 5 में से 3 जाएगा 2। तो यही हमने लिखा कि बड़े संख्या का चिन्ह, बड़े संख्या का चिन्ह लगता है। ये जोड़ घटाना के लिए हो गया, और गुणा के लिए चिन्ह आप लोग समझेंगे ऐसे होता है। देखिए अगर दो प्लस वाले संख्या हैं, इनका गुणा हुआ है तो
तो प्लस में होगा, दो माइनस वाले संख्या हो और गुणा हुआ रहे तब भी प्लस होगा, ये गुणा के लिए होता है, ये याद रखेंगे, गुणा के लिए अलग हो जाता है। देखिए गुणा में माइनस माइनस प्लस, जबकि जोड़ में माइनस 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 ही रहेगा, ये याद रखेंगे। और एक प्लस और एक माइनस होगा तो माइनस, या एक माइनस एक प्लस होगा तब भी माइनस। तो याद क्या रखना है, गुणा में देखिए प्लस प्लस का प्लस, माइनस माइनस का भी प्लस, और एक प्लस एक माइनस हो गया तो माइनस। लेकिन इसमें प्लस प्लस में प्लस, माइनस माइनस भी माइनस होगा लेकिन जोड़ेंगे, और एक प्लस एक माइनस तो घटाएंगे, चिन्ह बड़े वाले का रहेगा। तो इसको आप लोग कई बार बता चुके हैं हम, आप लोग याद रखेंगे इसको, इसको बस याद रखना है। फिर यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए कह रहा है योग माइनस सात हो, माइनस सात कैसे होगा, आप लोग जानते हैं दो माइनस वाले संख्या अगर हम लोग ले लें, तो हमने अभी बताया कि माइनस वाले संख्याओं को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, माइनस में ही जोड़ते हैं, माइनस वाले संख्याओं को जोड़ेंगे, योग कहा है मतलब जोड़, तो माइनस चार माइनस तीन को जोड़ेंगे तो माइनस सात। वही कहा है कि ऐसा दो संख्या लिखना है जिसका जोड़ कितना हो, माइनस सात हो, तो हम लोग माइनस चार और माइनस तीन भी लिख सकते हैं, और देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, एक संख्या अगर हम लोग माइनस दस लेना और एक को प्लस तीन लेना, तो आप लोग जानते हैं एक माइनस एक प्लस में होता है तो घटाते हैं, तो घटाते हैं तो देखिए चिन्ह बड़े वाले का लगाते हैं, तो दस में तीन को घटाएंगे, चिन्ह किसका लगेगा, दस तीन में दस बड़ा होता है तो उसका चिन्ह माइनस है, दस में तीन घटाएंगे तो सात। तो देखिए दोनों से हमको माइनस सात मिला, तो हम लोग दोनों में से कोई आंसर लिख सकते हैं, बुक में आप लोगों के कुछ भी दे सकता है आंसर, तो कोई एक आप लोग इसमें से लिख लेंगे, या तो इसको लिख लेंगे, नहीं तो इजी है, माइनस चार माइनस तीन जोड़ेंगे तो माइनस सात होगा। तो ऐसे केवल आंसर लिखना है इस क्वेश्चन में, तो हमने ये आंसर लिख लिया, एक माइनस दस एक प्लस तीन, कुछ भी आंसर इसमें हो सकता है। आप लोग अब सेकेंड वाले को देखिए, मतलब बी वाले को, यहां देखिए कहां है माइनस दस हो, अंतर क्या होना चाहिए, माइनस द अंतर मतलब घटाना। अब दो संख्या ऐसा लेना है जिसमें एक में से दूसरे को घटाएं तो कितना आए, माइनस दस आए, तो हम लोग ऐसे भी देखिए ले सकते हैं। अगर हम लोग माइनस सात ले लें, माइनस सात और एक प्लस तीन ले लें, तब भी दोनों को घटाएंगे तो माइनस दस होगा। देखिए कैसे घटाएंगे, घटाने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे माइनस सात है उसमें से हमको घटाना है, घटाने के लिए चिन्ह लगा दिए, कितना घटाना है, प्लस तीन को। तो देखिए जब घटाए तो दोनों माइनस में हो गया, हमको कहा है कि घटाना है, हमने एक माइनस सात लिया एक प्लस तीन, लेकिन जब प्लस तीन को जब इसमें से घटाएंगे तो दोनों माइनस हो गया, और जब दोनों माइनस हो गया तो क्या करते हैं, माइनस माइनस जोड़ते हैं, माइनस लगा के हो जाता है दस। तो इस तरह से देखिए अंतर माइनस दस हो गया। तो ये आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो एक और तरह से लिख सकते हैं, माइनस तेरह और प्लस तीन। अब देखिए क्या करेंगे, तेरह में से अगर तीन को घटाना है तो देखिए क्या करेंगे, इसको माइनस में लेना पड़ेगा, दोनों अगर हम लोग माइनस में ले लें तो देखिए इसमें से इसको घटाना है, घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस तेरह और घटाना है किसको, माइनस तीन को, माइनस तीन को। तो जब दो माइनस एक पास होगा तो देखिए माइनस माइनस का क्या हो जाता है, जब दो चिन्ह एक पास हो तो दोनों का गुणा होता है, तो ये हो जाता है देखिए माइनस तेरह और प्लस तीन, मतलब माइनस तेरह में से प्लस तीन अब घटेगा तो माइनस में हो जाएगा दस। तो आप लोग ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो जो लिखना चाहेंगे आप लोग लिख सकते हैं, और भी आंसर हो सकते हैं इसके, इन सब क्वेश्चन में केवल संख्या लिखना अपने तरफ से, तो और भी इसके आंसर हो सकते हैं। अब देखिए ये हमने लिख दिया आंसर, इसको भी हम लोग देख सकते हैं, कहा है योग जीरो हो, तो आप लोग जानते हैं योग जीरो कब होगा, जब एक संख्या प्लस में एक माइनस में हो तभी जीरो होगा। एक मान लीजिए हमने तीन ले लिया, तीन में तीन को घटा दें तो क्या होगा, जीरो, चाहे पांच में पांच घटा दें, चाहे सात में सात घटा दें, चाहे चार में चार घटा दें, तो हम लोग ऐसे लेंगे योग जीरो कहा है, एक संख्या हम लोग अगर माइनस तीन लेना और एक संख्या प्लस तीन लेना तो क्या होगा, माइनस तीन में योग करना है प्लस तीन करना है, तो माइनस तीन प्लस तीन हो जाएगा कितना, घट के
जीरो, तो ये आंसर आप लोग लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे संख्या लिख सकते हैं आंसर। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर टू दिया है, तो टू वाले में पहले ए को हल करते हैं। देखिए कहां है, ए में एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर आठ हो, सेम पहले क्वेश्चन के जैसे लिखना है। कहां एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, युग्म जब कहेगा तो मतलब समझ जाएंगे दो संख्या का जोड़ा, तो कहां एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए, दोनों का ऐसा लिखना है, ऋणात्मक लिखना है मतलब माइनस में लिखना है, जिसका अंतर कितना हो जाए प्लस आठ हो, दो माइनस वाले संख्या लिखना है, अंतर मतलब घटाने पर उनको कितना हो जाए आठ हो जाए, तो ऐसा दो संख्या आप लोग सोच के लिखेंगे। इसमें हम लोग अगर एक संख्या माइनस दो और एक संख्या माइनस दस ले लेते हैं तो क्या होगा, कहा है कि दोनों घटाना है, घटाना है तो देखिए कैसे घटाएंगे, माइनस दो और यहां पर क्या करेंगे, घटाना है माइनस किसको, ये तो घटाने का चिन्ह लगा दिया और माइनस दस हमने लिया पहले से। अब देखिए जब दो चिन्ह माइनस में हो तो उसको गुणा कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और दस, दस में से दो घटेगा तो प्लस आठ होगा, तो कहा है कि दो ऋणात्मक संख्या लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में, माइनस दो माइनस दस, ये आंसर हो जाएगा ये का। तो आप लोगों को ये सॉल्व नहीं करना है, केवल आंसर लिखना है। अब देखिए यहां पर कहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग माइनस पांच हो। इसमें कोई आप लोगों को समझने वाला क्वेश्चन है नहीं, बस इसको सोच के ही लिखना है। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक लिखना है जिनको जोड़ने पर माइनस पांच हो, मतलब एक संख्या माइनस में लेना है और एक प्लस में लेना है जिनको जोड़ने पर क्या हो माइनस पांच होना चाहिए। तो एक संख्या हम लोग ले लेते हैं, देखिए माइनस दस और एक संख्या प्लस पांच। देखिए माइनस दस में से अगर हम लोग प्लस पांच को जोड़ते हैं तो दस में से पांच जाएगा, दस में से पांच जाएगा माइनस पांच हो जाएगा। देखिए माइनस पांच करना है और एक संख्या क्या लेना है, ऋणात्मक और एक धनात्मक लेना है, तो हम लोग एक को माइनस दस ले लेते हैं और एक को प्लस पांच ले लेते हैं। अब देखिए यहां पर सी वाला क्वेश्चन दिया है, तो सी वाले को लिखते हैं, ये आंसर हो जाएगा हमारा। सी में देखिए दिया एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है जिसका अंतर माइनस तीन हो। अब एक माइनस वाला संख्या लेना है और एक प्लस वाला लेना है, और दोनों में से जब हम लोग घटाएंगे तो कितना होना चाहिए, माइनस तीन होना चाहिए। तो देखिए इसमें हम लोग अगर माइनस एक और प्लस दो ले लेते हैं तो देखिए क्या होगा, माइनस एक और इसमें से घटाना है, घटाना है कितने को, दो को, तो देखिए माइनस एक माइनस दो हो जाएगा माइनस तीन। तो यही करना है, एक संख्या माइनस लेना है, एक प्लस वाला लेना है, और जब इसको सॉल्व करेंगे घटाएंगे तो इतना हो जाएगा, माइनस तीन होना चाहिए। तो ये सब आप लोगों को बस सोच के लिखना है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है इसी को। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, किसी प्रश्नोत्तरी के तीन उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक माइनस चालीस दस जीरो थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक दस जीरो माइनस चालीस थे, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। दो क्वेश्चन इसमें दिया है, तो पहले हम लोग क्या बताएंगे, कह रहा है कि किसी प्रश्नोत्तरी में मतलब प्रश्न उत्तर पूछा जा रहा है, कई बार पूछा जा रहा है, दो टीम है, एक टीम ए है एक टीम बी है, तो कह रहा है कि टीम ए ने तीन बार प्रश्न पूछा गया है तो कितने अंक प्राप्त किए हैं, टीम ए ने एक बार माइनस चालीस, एक बार दस, एक बार जीरो, और टीम बी ने कितने अंक प्राप्त किए, दस जीरो माइनस चालीस। तो पूछ रहा है किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो हम लोग पहले देखते हैं कि कौन कितना अंक प्राप्त किया, लिखेंगे यहां, तो हम लोग देखिए यहां पर लिखते हैं पूरा, टीम ए के द्वारा, टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक बराबर, देखिए हमको क्या करना है, टीम ए के द्वारा कितना कुल प्राप्त किया गया है अंक उसको एक में जोड़ लेते हैं। देखिए माइनस चालीस है, प्लस दस है, मतलब इसमें दस को जोड़ना है, और फिर क्या है, जीरो दिया है तो जीरो को भी जोड़ना है,
तीनों को एक में जोड़ेंगे क्योंकि जितना भी अंक प्राप्त किए रहेंगे टोटल एक में करते हैं, तो वही हमने लिखा है टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक। इसको हल करते हैं तो देखिए माइनस चालीस, तो पहले देखिए जो संख्या प्लस में हो उसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस चालीस हम लोगों ने लिखा, दस में जीरो को जोड़ेंगे तो दस ही रहेगा, जीरो का मतलब कुछ नहीं। अब एक संख्या माइनस एक प्लस में हो तो घटाते हैं, हमने बताया था चिन्ह कौन सा लगाते हैं, बड़े वाले का घटाने में, तो माइनस लगाएंगे, चालीस में से दस घटाएंगे तीस, यानी कि देखिए टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितने हैं, माइनस तीस हैं। अब हम लोग टीम बी के द्वारा लिखते हैं, लिखेंगे टीम बी के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक बराबर, देखिए टीम बी के द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए हैं, यहां है 10 प्लस 0 प्लस माइनस चालीस, देखिए हमको जोड़ना है इसलिए प्लस लगाएंगे, और संख्या माइनस में दिया है तो दो संख्या एक पास लिखेंगे दो चिन्ह, तो ऐसे लिख लेंगे माइनस चालीस। अब देखिए 10 प्लस 0 जब दो संख्या एक पास हो दोनों का गुणा करते हैं, प्लस माइनस का गुणा माइनस 40। अब देखिए 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 होगा और माइनस 40, एक संख्या प्लस एक माइनस में वो घटाते हैं, चिन्ह लगाते हैं बड़े वाले का, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 40 में 10 जाएगा 30। यहाँ देखिए दोनों का माइनस 30 ही आया, यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो क्या बताएंगे दोनों टीम ने समान अंक प्राप्त किए हैं, किसी टीम ने अधिक अंक प्राप्त नहीं किया है। आगे का है क्या हम कह सकते हैं पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, किसी भी क्रम में मतलब इधर से उधर उधर से उधर, तो ये भी हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था कि पूर्णांकों में हम लोग क्रम विनिमय कर सकते हैं, इधर उधर करके जोड़ सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, कौन से टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया, यहाँ पर आंसर दोनों टीमों को समान अंक प्राप्त हुए, ये आंसर हो जाएगा, और एक आंसर ये हुआ, और एक देखिए कहा है यहां पर क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो लिखेंगे हाँ ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जहाँ भी खाली जगह दिए गए हैं उनको भरना है और इन कथनों को सत्य बनाना है। सत्य कैसे बनाना है, हमने आप लोगों को कुछ प्रगुण बताए थे, जिसमें हमने क्या क्या बताया था आप लोगों को, वितरक वाला प्रगुण बताया था हमने, मतलब एक संवृत्त, एक साहचर्य, एक वितरक और एक क्रम विनिमय, तो उसी का यहाँ पर यूज करना है। देखिए पूर्णांकों के लिए कहा है सत्य बनाना, तो आप लोग जानते हैं बराबर की इधर देखिए माइनस पाँच माइनस आठ है, बीच में प्लस, यहाँ भी बीच में प्लस, यहाँ माइनस आठ है, तो यहाँ क्या भरेंगे, जो नहीं दिया होगा वही भर देंगे। देखिए तो यहाँ पर माइनस पाँच भर देंगे, बस हो गया आंसर। क्यों भरेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पूर्णांकों में क्रम बदल सकता है, जोड़ में क्या होगा हमने बताया था कि योग के लिए क्रम बदल सकते हैं, माइनस पाँच पहले है और ये बाद में, ये पहले है तो इसको हम लोग बाद में लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ माइनस तिरपन, प्लस में यहाँ दिया है, यहाँ भी माइनस तिरपन, तो हम लोग माइनस तिरपन में क्या जोड़ेंगे कि माइनस तिरपन ही रहे, तो जब वही संख्या प्राप्त करना है तो आप लोग जानते हैं क्या जोड़ेंगे यहाँ, जीरो, क्योंकि किसी भी संख्या में आप लोग जीरो जोड़ेंगे तो वही संख्या मिलेगा, तो हम लोग जीरो भर देंगे। फिर यहाँ देखिए 17 में हम लोग क्या जोड़ेंगे जीरो पाने के लिए, तो आप लोग जानते हैं जब एक वही संख्या प्लस में हो अगर वही संख्या माइनस में लिख दें तो हमको जीरो मिलता है, तो मतलब यहाँ प्लस 17 है तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस में 17 भर देंगे, क्योंकि एक ही संख्या प्लस एक ही माइनस में हो तो घट के जीरो हो जाता है। अब यहाँ देखिए 13 प्लस में माइनस 12, यहाँ भी 13 प्लस में माइनस 12 और यहाँ माइनस 7, तो यहाँ कौन सा नहीं दिया है,
माइनस सात यहाँ भर देंगे। आप लोग जानते हैं साहचर है प्रगुड़ हमने बताया था, दो संख्या एक में एक अलग, यहाँ वही दिया देखिए दो संख्या एक में एक अलग, तो ऐसे करते हैं। फिर यहाँ देखिए ये पहले कर दिया है, इस दोनों को एक साथ में लिया है और यहाँ इस दोनों को एक साथ में लिया, तो इसको क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे माइनस तीन हो गया। तो इस तरह से देखिए एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हुआ 1.2। अब आप लोग अगले पार्ट में 1.3 और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।